यूक्रेन रूस विवाद में भारत की स्थिति शुरू से साफ। भारत ने यूक्रेन की मदद के लिए कहा हम सदैव तैयार। तत्काल खत्म हो विवाद, पूरी दुनिया को जंग से नुकसान। 24 फरवरी 2022 ही वो दिन था जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। उस दिन के बाद से आज तक रूस के यूक्रेन पर एक के बाद एक हमले जारी है। यूक्रेन लगातार अपना बचाव कर रहा है और लगातार मजबूत देशों से खुद को बचाने की अपील भी कर रहा है, मदद मांग रहा है। पुतिन को इस जंग को रोकने के लिए, मनाने के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन पुतिन बिना रुके बस यूक्रेन पर वार किए जा रहे हैं, यूक्रेन को तबाह कर चुके हैं। ऐसे में गुरुवार को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक में शामिल हुआ और बैठक में भारत की स्थिति साफ थी। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने कहा यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर और सुसंगत रही है। हम यूक्रेन के घटनाक्रम को लेकर गहराई से चिंतित हैं। भारत ने हमेशा ही हिंसा को तत्काल रूप से खत्म कर देने और आपसी शत्रुता मिटाने की बात कही है। विशेष सत्र में भारत ने आगे कहा कि हमने यूक्रेनी लोगों के मानवाधिकार के सम्मान और उनके संरक्षण का आह्वान किया है और साथ ही मानवाधिकारों के वैश्विक प्रचारों और उनके संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत ने मानवाधिकार परिषद को बताया कि भारत यूक्रेन और उसके पड़ोसियों को दवाएं, मानवीय आपूर्ति और अन्य आवश्यक राहत सामग्री भेज रहा है। स्थिति का प्रभाव इस क्षेत्र से अलग महसूस किया जा रहा है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, खाद्यान्न और उर्वरकों की कमी है। आपको बता दें रूस के यूक्रेन पर रुख की वजह से संयुक्त राष्ट्र ने रूस के खिलाफ कड़ाई की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर रूस के निलंबन के बाद मानवाधिकार निकाय में रूस की जगह पर चेक गणराज्य को शामिल करने को लेकर मंगलवार को मतदान किया गया था। यूएनएचआरसी की खाली सीट के लिए चेक रिपब्लिक एकमात्र उम्मीदवार था। जिनेवा स्थित परिषद की सीटों को क्षेत्रीय समूहों में बांटा गया है और रूस की जगह पर पूर्वी यूरोप से किसी देश को शामिल किया जाना था। मंगलवार को गुप्त मतदान में महासभा के 193 सदस्यों में से 180 सदस्यों ने मतपत्र जमा किए। नतीजा ये रहा कि 157 देशों ने चेक गणराज्य के पक्ष में वोट किया और 23 देश अनुपस्थित रहे थे। वहीं इससे पहले 7 अप्रैल को महासभा ने रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए 24 के मुकाबले 93 वोट से मंजूरी दी थी। इस दौरान 58 सदस्य अनुपस्थित रहे। परिषद से रूस को निलंबित करने का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। वैसे यूक्रेन और रूस के बीच में छिड़ी इस जंग पर भारत के रुख की स्थिरता को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।